दुर्ग में राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर नए राजीव भवन का लोकार्पण वर्चुअल तरीके से किया गया। इस दौरान LED स्क्रीन द्वारा वर्चुअल तरीके से भवन का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में भिलाई दुर्ग के सभी वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा भवन में तिरंगा भी फहराया गया। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू ने विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। इस दौरान निगम महापौर धीरज बागलीवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त किया। एक नया राजीव भवन मिला है, इसके हम स्वागत करते हैं और विकास करते हैं। यह भवन निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक नया इतिहास बनाएगा। जैसे पुराने भवन ने कई इतिहास बनाए, चाहे वो चंद्रदास चंद्राकर की बात करें, चाहे आप मोतीलाल बोरा जी स्पेस वगैरह करते हैं, आने वाले समय में भी राजीव भवन जो बना है एक नया कीर्तिमान गढ़ेगा और कार्यकर्ताओं को यहाँ अपने काम को बखूबी निभाने में अवसर मिलेगा। सबसे जुड़े बहुत ही सम्मानित इस राजीव भवन के शिल्प का छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी, हमारे लोग वर्चुअल जुड़े चरणदास बहल जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, सभी मंत्रीगण यहाँ उपस्थित ग्रुप में, ग्रुप शेयर के लोकप्रिय विधायक बहुत ही सम्मानित श्री अरुण भोरा जी,